अस्सलामुअलैकुम, ये है जी मस्जिद शजरा। मस्जिद शजर इसे क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल हरम के पास ही है और ये जो रोड आपको दिख रहा है, यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो मस्जिद जिन भी है और रोड से पार आप देखोगे तो आपको मस्जिद फतेह नज़र आएगी। ये मस्जिद के बारे में भी आपको बताऊँगा और ये हरम से बहुत करीब ही है। वो पीछे आप देख रहे हैं हरम, तकरीबन जो 1 किलोमीटर का फासला है। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं मौजूद हूँ मस्जिद फतेह के पास। ये हरम से बिल्कुल करीब ही है, 1 किलोमीटर के फासले पर है। आप गज़ा वाली साइड पर जब आएंगे, क्योंकि फतेह मक्का के बाद मुसलमानों ने यहाँ फतेह का झंडा लगाया था, तो इस वजह से इस मस्जिद का नाम जो है मस्जिद फतेह भी कहते हैं और मस्जिद रिहा भी कहते हैं। और आज मैं इस मस्जिद के पास आपको खड़ा हूँ, इसकी ज़ियारत भी आप करें। और रोड से इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पीछे आपको नज़र आएगी, ये मस्जिद शजरा है। ये एक मीनार है, ये छोटी सी मस्जिद है ये भी। और ये दरमियान में जो इन दो मस्जिदों के जो रोड है, थोड़ा ही आप आगे जाओगे तो मस्जिद जिन वाक़िया है। मस्जिद जिन की वीडियो में ऊपर आई बटन में आ रही है, अगर आपको देखनी है तो देख लें, एंड स्क्रीन में भी मैं डाल दूँगा, जिसमें मस्जिद जिन की पूरी वीडियो मौजूद है और आप उसका वाकया भी सुन सकते हैं कैसे मस्जिद जिन क्यों कहा जाता है। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये मस्जिद शजरा। मस्जिद शजरा की एक तारीख कुछ नाम इस तरह से है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बैठे थे, तो एक रवायत में सुना है कि कुछ जो है कफ़ार आए थे, वो आपसे मौजज़ा मांग रहे थे कि आप कोई मौजज़ा दिखाएं। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को इशारा किया, वो आपके पास खुद चलकर आया और आपको सलाम किया। और फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप वापस जाओ, तो वो वापस अपनी जगह पे चला गया। तो इस वजह से जहाँ दरख्त चल कर आपका हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ था, इसलिए इसे मस्जिद शजरा कहते हैं। छोटी सी मस्जिद है और बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। यहाँ पर एक चुरंगी है और हरम से जब आप गज़ा की तरफ आएँगे तो ये मस्जिद आपको नज़र आएगी और उस तरफ आपको मस्जिद फतेह नज़र आएगी। तो आपको जो नज़र आ रही है मस्जिद फतेह, मक्का फतेह के बाद जो है इस्लाम का झंडा इसी मुकाम पर लगाया गया था और अब इस जगह पर ये मस्जिद बनाई हुई है। इस मस्जिद को मस्जिद फतेह कहते हैं और मस्जिद रिहा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और आप देखेंगे कि इस तरफ ये आपको हरम नज़र आ रहा है, ये पुल के ऊपर से मक्का क्लॉक टावर का चांद भी नज़र आ रहा है। आप यहाँ से पैदल इस रोड से आ सकते हैं, ये गज़ा वाली साइड से, और इस मस्जिद की आप ज़ियारत कर सकते हैं। और इस मस्जिद के बाहर मैं बैठा हुआ हूँ रोड से इस तरफ, ये मस्जिद है शजरा है, शजरा दरख्त को कहते हैं। और ये है जी वो मस्जिद, और सफदर भाई वो पीछे बेंच पर बैठे हुए हैं। आप जब उमरा करने के लिए आएँ तो कोई ये ज़्यादा दूर नहीं है, आप वहाँ से पैदल भी इस तरफ आ सकते हैं गज़ा वाली साइड। किसी से पूछेंगे तो आप आराम से यहाँ तक आ सकते हैं। और यहाँ तो मस्जिद शजरा के पीछे जो है, पीछे साइड रोड पे आप जाएंगे तो जन्नतुल मौला है। ये दरवाज़ा देख रहे हैं आप मस्जिद शजर का, और ये इस मस्जिद का मीनार है। मगरिब की अज़ान हो रही है, हम नमाज मगरिब अदा करने के लिए मस्जिद फतेह में जा रहे हैं। यहाँ मस्जिद फतेह में हमने मगरिब की नमाज अदा की और ये आप मस्जिद फतेह के अंदरूनी मनाजर देख रहे हैं। इंशाल्लाह अगली ज़ियारत की वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।